हम बनाएंगे रगड़ा पैटीज। इसके लिए हमने ये 2 कप मटर, पीले मटर 6 घंटे पहले भिगो दिए थे, ये इस तरह से भीग चुके हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, जीरा का कलर चेंज होने दे। अब इसमें डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग डाली है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक क्रश की हुई और 1/2 चम्मच हरी मिर्च। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे मिक्स करें। मसाला हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इससे मसाला जलेगा नहीं। अब इसमें ये भीगे हुए मटर डाल दें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक, पानी डालें। पानी डाल के इसे मिक्स कर दें। पानी जरूरत के हिसाब से डाल लें। इसमें पानी डाल के कुकर को बंद कर दें। अब इसमें 4 से 5 सीटी लगा लें। 5 सीटी लग चुकी है, गैस को बंद कर दें। कुकर को ठंडा होने दें। ये घुगनी कुछ इस तरह की हो गई है, देखिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, इसमें थोड़ा सा सेका हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये रेडी हो चुकी है। अब टिक्की के लिए हमने ये उबले हुए 7 आलू ले लिए हैं। जितनी टिक्की बनानी हो उस हिसाब से आलू ले लें। आलू को अच्छी तरह से चूर लें। आलू को चूर लिया है, अब इसमें ये अदरक और हरी मिर्च, 1/2 चम्मच अदरक 1/2 चम्मच हरी मिर्च है, ये डाल दिया है। अब इसमें ये भीगा हुआ पोहा डाल देंगे। पोहा को धो के भिगो दिया था, 1/4 कप पोहा था, ये इस तरह से हो गया है भीग के। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच करीब काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसकी हम टिक्की बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी टिक्की नहीं बनाएंगे, ठीक ठीक साइज की टिक्की बना लेंगे। इस तरह से सारे बॉल्स बना ले पहले। अब इसे हम इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह सारी टिक्की बना लें। इस तरह सारी टिक्की तैयार कर लें। इस तरह से सारी टिक्की तैयार कर ली है। गैस पे एक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। घी को थोड़ा गर्म होने दें। अब इसमें ये टिक्की डाल देंगे। टिक्की को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसी तरह इसे सेकना है। गैस को मीडियम फ्लेम में कर दें, इसे बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी करके सेकें, एक साइड सिक जाए, फिर इसे हम पलट देंगे। अब इसे हम पलट देंगे, इसे धीरे से पलटें। देखिए इस साइड में थोड़ी लाल हो चुकी है। टिक्की इस तरह से सिक चुकी है। अब जिस भी बर्तन में इसे सर्व करना हो उसे निकाल लें। इस तरह से टिक्की सिक चुकी है, इसे हम इस तरह के बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से टिक्की डाल दी है। अब इसके ऊपर मटर की घुगनी डालेंगे।
इस पे डालेंगे इमली की मीठी चटनी, ये हमने घर पे ही बनाई है। धनिया की हरी चटनी, थोड़े से अनार के दाने, थोड़े से कटे हुए प्याज, मिक्स मसाला जिसमें काला नमक, नमक, लाल मिर्च और सेका हुआ जीरा पाउडर है ये डाल दें, थोड़ी सी चाट भुजिया। रगड़ा पैटिस रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। इस तरह से घर पे आसानी से बनाएं रगड़ा पैटिस। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें।